आज मैं बनाने वाली हूँ मिर्ची के पकोड़े, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत जल्दी बन के रेडी होंगे। ये मेरे हस्बैंड के फेवरेट हैं, तो ये एवरी वीकेंड तो एक बार बनता ही बनता है। तो इसमें हम कोई स्टफिंग भी नहीं करते, तो ये बहुत झटपट रेसिपी होती है। तो आप देख सकते हैं मैंने मिर्ची को स्लिट कर लिया, और स्लिट करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक डालने से क्या होता है ना कि हमारी मिर्ची अंदर से भी पक जाती है, क्योंकि ये मोटी होती है। तो आप जब तक इनको फ्राई करते हैं तब तक ऊपर से तो रेड जाती पर अंदर से मिर्ची कच्ची होती, तो इसलिए नमक ज़रूर डालिए। फिर यहाँ मैं ले रही हूँ बेसन, हम अच्छा थिक बैटर रेडी करेंगे, इसलिए बेसन मैंने ज़्यादा लिया है। अब यहाँ पे मैंने डाला है चावल का आटा। चावल का आटा बहुत ज़रूरी होता है फॉर क्रिस्पीनेस, क्योंकि बेसन से इतनी क्रिस्पी पकौड़े नहीं बनते। फिर मैंने हल्दी और मिर्च डाल दिया, और साथ ही साथ नमक डाल दिया। ये सब डाल के हम इसको मिक्स करेंगे, फिर पानी डाल के एक गाढ़ा सा पेस्ट रेडी करेंगे। इसको गाढ़ा रखना है क्योंकि यह अच्छा उसी से लगता है। और आपने अभी देखा मैंने यहाँ पे थोड़ा मेथी डाला, कसूरी मेथी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैं ये डालना भूल गई थी तो मैं इस स्टेप में डाल रही हूँ, यह है कलौंजी, जिसको करायल भी कहते हैं। इसका एक बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पकौड़े में। तो ये मैंने अच्छा बैटर रेडी कर लिया, और आप देख सकते हैं अच्छा मोटा बैटर है, जिससे कि मेरी मिर्चियों में अच्छे से प्रॉपर तरीके से ये कोट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ बढ़िया गर्मा गर्म तेल में ये पकौड़े तलने के लिए डाल दिए हैं, और देखिए कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से मेरे पकौड़े ये फ्राई हो रहे हैं। इनको तो मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है, और मेरे यहाँ तो ये बनता ही है, इट इज़ वेरी टेस्टी। और फिर ये मेरे बन के रेडी हो गए थे, फिर मैंने अपना बचा हुआ बैच भी बना लिया। तो बचे हुए बैच में मैंने जो बाकी मिर्च थी उन्हें भी फ्राई कर लिया, और फ्राई करके निकाल लिया। तो ये देखिए ये मिर्ची के पकौड़े रेडी हैं। मैं इसे पोहे के साथ खाती हूँ, आपको किसके साथ खाना पसंद है आप ये बताइएगा। मैं इसको हरी चटनी के साथ भी खाती हूँ, पर मेरे हस्बैंड को पकौड़े पसंद है, मुझे पोहे पसंद है, तो मैंने ये दोनों मिक्स करके खाया।